हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मल्टी स्ट्राइक ओआई बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसमें आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की ओवर टाइम चेंज होने वाली ओआई वैल्यू का ग्राफ शो किया जाता है। FNO 360 में मल्टी स्ट्राइक ओआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट मेन्यू में ओपन इंटरेस्ट सेक्शन पर जाना है और मल्टी स्ट्राइक ओआई पर क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट यहां आपको निफ्टी के 6 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की ओपन इंटरेस्ट वैल्यू देखने को मिलेगी। लेफ्ट पैनल में आप सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सकते हैं और एनालाइज करने के लिए अप टू 6 कॉन्ट्रैक्ट्स को डिलीट और ऐड भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन को एडिट करने के लिए आपको ऐड मोर पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को उनकी अंडरलाइंग इंडेक्स प्राइस से कंपेयर किया जाता है। एनालाइज करते टाइम अगर आप लाइन ग्राफ को टेम्पररीली हाइड करना चाहते हैं तो ये आप लेफ्ट पैनल में कॉन्ट्रैक्ट्स को अनचेक करके कर सकते हैं। इस ग्राफ को आप 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी व्यू कर सकते हैं। और अगर आप नंबर्स के साथ खेलना पसंद करते हैं तो ये सेम डेटा आपके लिए टैबुलर फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको बस राइट साइड पर टेबल व्यू बटन पर क्लिक करना है और देखते ही देखते सारा डेटा टेबल फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगा। आप कॉल्स और पुट्स के लिए इंडिविजुअली स्ट्राइक प्राइस के रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा सिलेक्टेड टाइम फ्रेम्स में आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। क्वांट बेस्ड ट्रेडर्स इस फीचर को बहुत ही पसंद करते हैं। करंटली ये फीचर निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, मल्टी स्ट्राइक ओआई फीचर के थ्रू बहुत ही इजीली आप ऑप्शंस को एनालाइज कर सकते हैं और स्मार्टली ट्रेड कर सकते हैं। मल्टी स्ट्राइक ओआई को एक्सप्लोर करने के लिए आज ही FNO 360 में लॉगिन करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी कोई भी फीडबैक है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all related documents carefully before investing.